नीमच नगर पालिका के टीम के द्वारा शहर के स्कीम नंबर 34 क्षेत्र में गाजर घास व झाड़ियों को काटा गया। साथ ही इलाके में मौजूद सभी पानी के गड्ढों को मिट्टी डालकर भरा गया और नालियों में दवाओं का छिड़काव किया गया। गौरतलब है कि नीमच शहर में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार अभियान चलाकर फोगिंग की जा रही है और मच्छर नाशक दवाओं का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। इस संबंध में 15 सितंबर से एक प्रदेशव्यापी अभियान डेंगू पर प्रहार भी चलाया गया। नीमच नगर पालिका के अधिकारी शिव कुमार पार्चो ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर लगातार शहर के सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान डेंगू पर प्रहार अभियान चलाकर शहर को डेंगू मुक्त करने का प्रयास नगर पालिका की टीम कर रहे हैं और क्रम से सभी वार्डों को दवाइयों के छिड़काव इत्यादि कर लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। और क्या मतलब कि डेंगू और मलेरिया के संबंध में जो है नगर पालिका का अभियान भी चल रहा है, साथ में स्वास्थ्य विभाग का अभियान भी चल रहा है और मलेरिया अधिकारी की तरफ से भी कार्यक्रम चल रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जहाँ तक नगर पालिका का प्रश्न है, लोग फॉगिंग लगातार करते चले जा रहे हैं। अभी कलेक्टर महोदय ने 2-3 फॉगिंग मशीन ओवर क्रय करने का आदेश दिए थे, वो फॉगिंग मशीनें भी हमारे पास एक आध दिन में आ जाएंगी, तो हम ज़्यादा सघनता के साथ फॉगिंग कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो स्प्रे मशीन है हमने वो भी ठीक करा के और स्प्रे कराना भी चालू कर किया हुआ है। और जो आंगनबाड़ी और दूसरे दल हैं वो घरों में जाके सर्वे कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपके चरणों के माध्यम से मैं भी ये अपील कर रहा हूँ कि अपने अपने घरों में रखे कंटेनर और दूसरे स्थानों पर जो ठहरा हुआ पानी है उसे ज़्यादा दिन न रुकने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया के मच्छर लार्वा पैदा न हो। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।